नमस्कार, मैं हूं रुपेश साहुआ और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश सियासी रंग। इस पेशकश में हम हर रोज राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचलों और गतिविधियों से आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही आपको ये बताते हैं कहां, क्या और किस तरह की सियासी उठापटक हुई। साथ ही राजनीति के शतरंज पर कौन सी ऐसी नई बिसात बिछी जो कि सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी, फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोपों की जंग, सियासी रंग। दीपावली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2% महंगाई भत्ते को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 58 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इससे पहले सरकार ने इस साल की शुरुआत में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 6% बढ़ाकर 125% कर दिया था। बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रहे सियासी घमासान पर आखिरकार अमर सिंह ने चुप्पी तोड़ दी। अमर सिंह ने कहा है कि हर बार आरोप मुझ पर ही लगाया जाता है। उन्होंने राम गोपाल यादव पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उनको अपनी बेटियों की सुरक्षा का डर सता रहा है। अमर सिंह ने साफ कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए राम गोपाल जिम्मेदार होंगे। वहीं अमर सिंह ने अखिलेश के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि वो किसी आशु मलिक को नहीं जानते हैं। वो इस दौरान अखिलेश की बात करते करते भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि वो जिंदगी भर मुलायम का साथ देंगे। वो अखिलेश का साथ देने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि वो मुलायम के बेटे हैं। बात यह है कि मैं अखिलेश के साथ हूं, लेकिन अखिलेश से पहले मुलायम सिंह के साथ हूं। अखिलेश के साथ मैं इसलिए हूं जो मुलायम सिंह के बेटे हैं, और जो नई जमात आई है अखिलेश के साथ वो इसलिए है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास सत्ता है। मैं सत्ताधारी अखिलेश के साथ नहीं, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश के साथ मैं था, हूं और रहूंगा। मुझे माँ बहन की गाली दे ले, राम गोपाल जी ने तो यह कहा था कि मैं पहले भी निकलवा चुका हूं, अब देखिए फिर निकलवाऊंगा। आप जानते हैं पहले मैं क्या किया था, ठीक करके दिखाऊंगा, और कार्यकर्ता और नेता ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर देंगे? मैं तो गृह मंत्री को अपनी जान मान की सुरक्षा की गुहार लगाऊंगा कि खुलेआम पूरे देश के सामने अमर सिंह सुरक्षित नहीं लौटेंगे, इस बात की धमकी मुझे दी गई। और धमकी देने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बाहु और बुद्धि दोनों के बली व्यक्ति हैं, जो कलम से कार्बाइन तक का खेल जानते हैं, चंबल की भीड़ों में जिन्होंने राजनीति की है। अगर हमारी मृत्यु हो या हम आहत हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अब राम गोपाल जी पर होगी, क्योंकि सार्वजनिक बयान उन्होंने दिया है कि अमर सिंह सुरक्षित नहीं लौटेंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़ तो रहे हैं मंत्री को। बहरहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट साहब, जिस तरह से अमर सिंह का जो बयान आया राम गोपाल यादव पर, उन्होंने कटाक्ष किया है, अखिलेश यादव को भी लेकर बयान दिया है, खुद को जान का खतरा भी बताया है, इन तमाम बातों के क्या मायने आपको समझ आ रहे हैं? अमर सिंह को सीधे तौर पर अखिलेश यादव द्वारा दलाल कहा गया, वो उनको काफी आहत कर गया। और आज जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने तमाम उन बहुत भावुक हो गए वो, और भावुक होते होते उनके आंखों में आंसू आ गए। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अखिलेश जो है वो उनको मैं हमेशा मानता हूं, और अखिलेश को इसलिए नहीं मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश को सिर्फ इसलिए मानता हूं कि वो मुलायम सिंह के बेटे हैं, और बहुत ही भावनात्मक रिश्ता हमारा उनका रहा है। और साफ तौर पर जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस आरोप में कहीं न कहीं रुपेश जो जिस तरह से आशु मलिक का नाम आया कि आशु मलिक ने जो है अखबारों में अमर सिंह के कहने पर छपवाया, शाहजहां और औरंगजेब का जो एपिसोड चला, ये तमाम चीजों पर उन्होंने एक तरह से रुपेश सीधे तौर पर खंडन किया है। और कहीं न कहीं
आज के इस वक्तव्य से अमर सिंह के अपने रिश्तों में जो है वो मिठास घोलने की कोशिश अमर सिंह ने किया है, और सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि मैं किसी आसू मलिक को नहीं जानता। जो व्यक्ति यह आरोप लगाया, जिस व्यक्ति ने अखबारों की बात कही, उसको मैं बिल्कुल नहीं जानता। और अपनी बात कहते हुए भी वो भावुक हुए, और कहीं ना कहीं रामगोपाल यादव के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो जिस जगह के रहने वाले हैं वहां काफी अपराधियों का बोलबाला है, और उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कहीं आएंगे तो निश्चित रूप से जो है अमर सिंह के लिए जो है खतरा रहेगा। तो ये तमाम आकर कहीं है और सफाई देने की कोशिश की है, उन्होंने ये कोशिश की है कि अखिलेश के मन में जो खटास है वो कहीं ना कहीं दूर हो। भट्ट साहब, जी जी, भट्ट साहब, लग रहा है कि अब अमर सिंह की उपयोगिता मुलायम सिंह यादव को तो पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन अब और बढ़ सकती है, क्योंकि जो अब महागठबंधन की बात एक बार फिर शुरू हो गई, क्योंकि अब आप भी समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का जो रुख अब सामने आ रहा है, अब सपा कमजोर हो रही है, ऐसे में कांग्रेस का हाथ थाम सकती है और इसके लिए गठबंधन तैयारी की भी अब चल रही है, तो आपको लगता है कि इस परिपेक्ष में अब अमर सिंह की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को, और अखिलेश यादव भी अब अमर सिंह को सीधे तौर पर नहीं नकार पाएंगे? रूपेश, जिस तरह का अभी मुलायम सिंह के निर्देश पर शिवपाल यादव दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद वहां तमाम जो है थर्ड फ्रंट के नेताओं से मिलते हैं, बात अगर हम जेडीयू की करें, अजीत सिंह की करें, ये तमाम ऐसे धड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में इनकी थोड़ी बहुत अहमियत है और उनको वो अपने साथ लाना चाहते हैं। उनकी ये कोशिश है कि अगली जो सरकार है 2017 की वो बिना अखिलेश के बनाई जाए, क्योंकि विचारों का जो मतभेद है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है और पार्टी को भी बचाना है। तो ये पूरी कोशिश उनकी रहेगी कि किसी तरह से जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश में जो सक्रिय हैं उनको अपने साथ जोड़ा जाए और उनके साथ साथ कांग्रेस को भी जोड़ा जाए, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूती आएगी और उसके साथ जो है आगे चलकर। भट्ट साहब, एक सवाल और यहां पर उठता है, जो सहयोगी दल हैं जिनसे बात चल रही है उन्होंने तो साफ कहा है कि अखिलेश ही चेहरा होना चाहिए सीएम का, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो दूरियां हैं चाचा और भतीजे की और पिता और पुत्र की, क्योंकि खेमा बढ़ चुका है, अलग अलग क्षेत्र में दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव 3 तारीख को अपना विकास रथ लेके जा रहे हैं, 5 तारीख को पार्टी कार्यालय पे बैठक हो रही है, रजत जयंती सप्ताह मनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी 2 खेमों में बटे हैं, युवा साथी उनके साथ हैं, तमाम विधायक उनके साथ हैं। अब पार्टी में अलग अलग जो है जो धुरी है वो चलेगी, और मुलायम सिंह कहीं ना कहीं अपने अखाड़े के मजबूत पहलवान माने जाते हैं, उनको यह लगता है कि अगर 2017 में समाजवादी पार्टी की सीटें कम आती हैं तो वो ये तमाम जो दल हैं इनके साथ या तो गठबंधन करके और या तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जब चुनाव घोषित हो गए तो उनको जोड़ा जा सकता है और उसके बाद जो है सरकार बनाई जा सकती है। और सीधे तौर पर यह मुलायम सिंह का कहना है कि अखिलेश यादव हो या कोई भी और हो, विधानमंडल दल का नेता विधायक ही तय करेंगे और वो भी चुनाव के बाद तय होगा। साफ संकेत है कि अब अखिलेश की जो स्वीकार है वो कहीं ना कहीं चाचा और पिता को नहीं है। जी भट्ट साहब, निश्चित तौर पर अब अमर सिंह का जो बयान आया है, जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, इसको लेकर अब एक नई रणनीति समाजवादी पार्टी बना रही है और आने वाले समय में देखना होगा कि क्या ये रणनीति होती है, समाजवादी पार्टी किस तरह का अब दाव खेलती है, क्योंकि विवाद अब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव से बढ़ता हुआ मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए इटावा को शहीद नितिन यादव की धरती बताया, शहीद की वीरता को याद करते हुए उन्हें नमन किया। रैली के दौरान अमित शाह ने शहीद हेमराज को भी याद किया। अमित शाह ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आलू की फैक्ट्री वाले बयान पर चुटकी भी ली। मगर मेरा युवाओं से आह्वान है, अपनी ताकत इतनी प्रचंड कर दो, गुंडे घर के बाहर ही न निकले, बूथ कब जाने की बात घर पे गई। भाजपा का कार्यकर्ता इस बार प्रतिज्ञा लेकर निकले कि सपा बसपा की गुंडई नहीं चलेगी, बहुत हो गया, अब उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। बताइए आप करेंगे? जोर से बोले, करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे?
अमित शाह ने एक बार फिर इटावा में, इटावा जो कि गढ़ है समाजवादी पार्टी का, बसपा का भी काफी कुछ प्रभाव है, और यहां पर रैली की और संकेत दिया है कि अब सपा बसपा के गढ़ में भी बीजेपी सेंध लगाएगी। बहरहाल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट साहब। आरसी भट्ट साहब, इटावा एक ऐसी जगह है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, बसपा का भी काफी कुछ प्रभाव है, वहीं ब्रजेश भी अब बीजेपी में आ गया, तो आपको लग रहा है कि इटावा में सेंध लगाने की पूरी कोशिश है बीजेपी की? रुपेश, इटावा कहीं न कहीं मुलायम सिंह का मजबूत और अभेद गढ़ माना जाता रहा है और समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है। राजनीति भी वहीं से शुरू की, वहीं के रहने वाले भी हैं, और आज जिस तरह से अमित शाह ने वहां एक बड़ी महासंकल्प सभा किया है, और उनको लगता है कि जो खासतौर पर पिछड़ी जात के वोटर हैं उनको किसी न किसी तरह से ये जो बेल्ट है, इटावा, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, जहां गढ़ है समाजवादी पार्टी का, वहां जो है अपनी पैठ को जमाई जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो समाजवादी तो है वहां से कमजोर है। और अमित शाह ने जिस तरह से आज वहां हमला किया है, निश्चित रूप से जो है बीजेपी कुछ आगे करने की सोच रही है, और साफ तौर पर जिस तरह से उसने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर, बहुजन समाज पार्टी पर उन्होंने भारी हमला किया है, इसका तत्काल रिएक्शन भी आया है, और सीधे तौर पर उन्होंने ये जो सरकार है इसकी जो जोरदार आलोचना करते हुए उन्होंने मोदी की स्टाइल में अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल साफ तौर पे उसी तरह बात कर रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी पर भी जो निशाना साधा है ब्रजेश, जब से आए हैं बीजेपी में, बीएसपी से को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इटावा में आज जो रैली की, इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को और यहां पर वो जो शक्ति दिखाना चाहते थे वो दिख पाई है? देखिए, अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह का गढ़ है और जो अपर कास्ट के वोटर हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं, लेकिन इनकी जो दरकार है वोटों की खासतौर पे, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों की है, और पिछड़ी जातियों में जो यादव वर्ग का जो संवर्ग है उसको अपने साथ लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर पिछड़ी जातियां उनके साथ आती हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। और आज सीधे तौर पर अपर कास्ट को लेकर खासतौर पे जो ब्राह्मण संवर्ग है, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाज से आते हैं, अच्छे नेता रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए मायावती को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं अमित शाह उनका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, क्योंकि इटावा और आसपास के इलाकों में ब्राह्मण समाज भी बड़े पैमाने पर रहता है, और उनको साथ लेने की जो कोशिश जो है अमित शाह ने जो है एक ब्रजेश पाठक को आगे करके लिया है, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी नेता का नाम लिया जाता है तो निश्चित रूप से उसको महत्व दिया जा रहा है, और ये कोशिश है कि जो अपर कास्ट के लोग, आज की रैली के बाद आपको लग रहा है कि बीजेपी कामयाब होती नजर आ रही है, इटावा में कुछ जनाधार बढ़ा सकती है? रुपये से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बड़ा मजबूत गढ़ है। बरसों से अगर हम लोग मुलायम सिंह की राजनीति पर नजर डालें, समाजवादी पार्टी की के 25 साल की राजनीति पर नजर डालें, तो वहां कहीं न कहीं हमेशा जो है वो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, और आज की स्थिति में अमित शाह जाते हैं, समय कम है, 2017 में चुनाव होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि किस तरह से जो मतदाता है उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम शेड्यूल कास्ट की करें, बात हम अपर कास्ट की करें, और खासतौर पे उसके साथ साथ पिछड़ी जातियों की करें, तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की झोली में अपर कास्ट के लोग तो आते हैं, लेकिन और जातियों को लोग वहां से उस क्षेत्र से जुड़ेंगे कि नहीं जो परंपरागत वोटर रहे हैं खासतौर पर समाजवादी पार्टी की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आरसी भट्ट साहब बता रहे हैं कि इटावा में रैली जरूर की है, लेकिन देखना होगा कि आखिर यहां पर कितने समर्थक जुटा पाती है बीजेपी, क्योंकि सपा का गढ़ है, बसपा का भी प्रभाव है। बहरहाल बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की खबर की ओर। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में रीवा की नई गढ़ी सिंचाई परियोजना, सतना की रामनगर सिंचाई परियोजना और विदिशा की टेम सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली। साथ ही कैबिनेट ने तहसील स्तर के पद पर पदोन्नति के लिए समय सीमा 5 साल से घटाकर 3 साल करने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि नायब तहसीलदारों के पद जो पदोन्नति के लिए अर्थादायी सेवा जिनकी 5 वर्ष थी उसे घटाकर कैबिनेट ने तय किया है। रीवा जिले की 2 तहसील के 30 गांव और मनगना तहसील के 33 गांव, रायपुर करचुलियांग तहसील के 33 ग्राम। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे ब्यूरो हेड राजेश सक्सेना जी।
राजेश जी, आज क्या कुछ हुआ कैबिनेट में और कौन सी अहम घोषणा है जिसका फायदा आने वाले समय में प्रदेशवासियों को या कर्मचारियों को मिलेगा? बिल्कुल रुपेश, शिवराज कैबिनेट की बैठक में जी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिस तरह से नायब तहसीलदारों की अगर हम बात करें तो तहसीलदारों की जो पदोन्नति 5 साल में पहले होती थी, अब उसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिली है। 3 सिंचाई परियोजनाओं को आज मंजूरी मिली है। सतना जिले की, रीवा जिले की और ग्वालियर जिले की 3 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है। पहले तमाम प्रस्ताव थे रुपेश, जिसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है कई सारे प्रस्तावों की और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसको लेकर प्रदेशवासियों को भी सुविधाएं मिलने की बात कही है और कई सारे नए पद भी इसमें सृजित होंगे। सियासी रंग में आज हमने बात की केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ाए गए 2% भत्ते की। सरकार हर हाल में बाजार में तरलता लाना चाहती है, पर क्या इससे गरीबों के घर भी रोशन होंगे? सवाल बड़ा है। यूपी में सपा के घमासान में मुलायम का अमर प्रेम दिखा तो अब अमर सिंह ने रामगोपाल यादव से खुद को असुरक्षित बताया, यानी अब अखिलेश के समर्थकों से निपटने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पर इस विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार रैलियां कर सपा परिवार के विवाद पर तंज कस रहे। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वही यदि मध्यप्रदेश की बात की जाए तो मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट ताबड़तोड़ निर्णय लेते हुए एक्शन में नजर आ रही है। सियासत कब रंग बदल ले कहा नहीं जा सकता, पर हर रंग को हम परखेंगे और उसकी सच्चाई आपके सामने लाएंगे, वादा कल भी निभाएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।